All right, so hey YouTube, this is yours Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel. So अभी बजा है रात को 11:30. अभी जस्ट मैंने वीडियो अपलोड किया है क्योंकि 11 बजे इंडियन टाइम पे आता है, मतलब मुझे 11:30 बजे यहाँ पे कनाडा में अपलोड करना पड़ता है. सो यही मेरा रोज का शेड्यूल है, 11:30 बजे साफ मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ. तो आज वही कर रहा था लेकिन थोड़ी सी लग गई भूख क्योंकि हमने खाना बहुत ही जल्दी खा लिया था, तो बहुत ही भूख लगी है. ये हम लेके आए थे, आप लोगों को पता होगा ग्रोसरी वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो, अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, बहुत ही अच्छी है. ये है पॉपकॉर्न, 6 बैग्स हैं अंदर, अभी मैं निकालने लगा हूँ अंदर क्या है, कैसा हिसाब रहने वाला है. सो ऐसे ही यहाँ पे 6 बैग है अंदर, करना कुछ नहीं है, इसको निकालो और माइक्रोवेव में रख दो, 2 मिनट में काम हो जाएगा. अभी देखते हैं कैसा रहता है क्योंकि मैंने भी इंडिया में किया था, यहाँ पे पहली बार कर रहा हूँ. पहले करके देखता हूँ फिर बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, नहीं तो फिर मेरा कुछ ऐसा हो ना जाए कि भाई कहना कुछ और चाहूँ और हो जाए कुछ और. सो बात बिगड़नी नहीं चाहिए भाई, सही है. सो पहले मैं करके देखता हूँ. यहाँ पे लिखा है दिस साइड अप, सो अभी ये जाएगा सीधा. सो अभी जो निकला है अभी मैं दिखाता हूँ ओवन से. सो माइक्रोवेव ही करो आप, अगर माइक्रोवेव है तो ओवन में ये नहीं बनेगा, अगर नहीं तो फिर आप ऐसे कुकर या फिर कोई भी बर्तन लेके थोड़ा सा बटर वटर डाल के जो बनाना हो आपको, वैसे बटर डाल के हाई फ्लेम पे रख दो थोड़ी देर के लिए, मस्त पॉपकॉर्न बन के रेडी हो जाएंगे. अभी ऑटोमेटिक काम चला नहीं तो हम मैनुअल करने लगे, तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से बन जाना चाहिए, पॉप हो जाना चाहिए. तो हमने देसी तरीके से पॉपकॉर्न बनाए और बहुत ही अच्छे बने थे. अभी खा के मैं सोने लगा हूँ क्योंकि बहुत ही नींद आ रही है, अभी कल मिलते हैं. सो आज है वेंसडे और शाम को बजे है 7:30. अभी हम लोग जा रहे हैं एक सोफा देखने के लिए, सोफा और कॉफी टेबल दोनों साथ में. एक इंडियन ही है, वो लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको बेचना है. मार्केट प्लेस पे मैंने देखा था, जस्ट बाजू की बिल्डिंग में ही है. सो अभी देखने जा रहे हैं, अगर डील बनी और अच्छा हुआ तो लेके आ जाएंगे. और दिखने में तो ऐसे पिक्चर्स और ये सब बहुत ही अच्छा है, उन्होंने अभी जस्ट लिया था और मूव कर रहे हैं, सो उनको शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी. सो अभी जस्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, अगर पसंद आया तो लेके आ जाएंगे. उठा के लाना पड़ेगा क्योंकि यू हॉल करने का भी कोई मतलब नहीं है. यू हॉल मतलब एक यहाँ पे टेम्पो सर्विस जैसा होता है, वो लोग आपको व्हीकल देते हैं अराउंड $19 चार्जेस रहता है उसका, वो व्हीकल दे देंगे, फ्यूल आपको भरवाना है और ड्राइव भी आपको करना है. तो वो यू हॉल की मगजमारी भी नहीं रहेगी क्योंकि कहाँ यू हॉल ढूंढने जाएंगे, लेके आएंगे और बाजू की बिल्डिंग से उठा के यहाँ रखना है और फिर से यू हॉल रखने जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा. इससे अच्छा हम लोग देखते हैं वेट कैसा है. ऐसा हो तो एक दोस्त है जिसके पास ट्रक है तो उसको बुला लेंगे, वो ट्रक में भर के ले आएंगे हम लोग. तो अभी हम लोग जाने लगे हैं, सो फटाफट से पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने भी टाइम हमको दिया है 1/2 आवर में, सो 1/2 आवर में पहुंचना पड़ेगा. हम लोग अभी फटाफट पहुंचने वाले हैं. सो फाइनली फाइनल कर दिया है और हम लोग ये लेके आ रहे हैं. अभी उठा के लाना पड़ रहा है, बाजू में ही है सो अच्छा है. अभी हम थोड़ा सा सेटल करके आपको मैं बताता हूँ क्योंकि अभी सोफा भी लाना है लेकिन उसके लिए कोई और चाहिए, 2 बंदों से नहीं उठेगा वो, बहुत भारी है. ये तो हल्का था तो हमने सोचा चलो यार उठा के ले आते. मॉर्निंग, आज है थर्सडे, मेरा मिड वीक होता है क्योंकि 2 दिन में काम कर चुका हूँ, 2 दिन और करना है और उसके बाद
फिर से वीकेंड स्टार्ट। और सुबह के बजाय 7:30 मैं फिर से उठ के चाय बनाने लगा हूँ। आपने कल देखा ही होगा कि हम लोग सोफा लेने के लिए गए थे, हमने मार्केट प्लेस से देखा था और अच्छा लगा, हमने देखा कंडीशन इज रियली गुड, सो हम लोग फिर लेके आ गए थे। लेकिन टेबल लाते टाइम कुछ क्लिप शूट कर पाया हूँ मैं, अदरवाइज सोफा इतना हैवी था और दो बंदों से यहाँ पे जो जीक चेक स्टेयर्स पे से लेके आना था, इट वॉज रियली टफ। तो बहुत दिक्कतों के बाद हम लोगों ने सोफा सेट कर दिया है, अभी मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मार्केट प्लेस से क्यों, नया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम रहने नहीं वाले, थोड़े टाइम के बाद खुद का घर भी लेंगे। खुद के घर में जाके अकॉर्डिंगली नया सामान लेना इज रियली गुड, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ चीप नहीं मिलता। सोफ़ा ये जो मैं लेके आया हूँ नए की कीमत है अराउंड $1,000। सो आप $1,000 अभी लगा के फिर एक साल बाद और $1,000 वेस्ट नहीं करना चाहोगे, इसलिए आप अगर ऐसे टेम्पररी सेटअप कर रहे हो तो मार्केट प्लेस से सामान उठा लो, अच्छा मिलता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, चेक करके लो तो बहुत ही अच्छी डील मिल जाएगी। ये है कॉफी टेबल एंड दिस इज सोफा। तो इसीलिए मैंने खाली घर का टूर दिया था, क्योंकि जैसे जैसे सामान हम लाएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको भी एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि कैसे घर सेटअप किया जाता है यहाँ पे टेम्पररी, और नया घर लेंगे तब तो खुद ही बाय करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप सास्कातून में नए आ रहे हो, सास्केचुआन में आ रहे हो या फिर कैनेडा में आ रहे हो, क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस और कीजिए पूरे कैनेडा में चलता है, तो अगर आप आ रहे हो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यही सब वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। रात को तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, सोफा जैसे तैसे सेटअप करके सो गए, और आज पता चला कि यहाँ कनाडा में लोग घर खाली करते हैं तो सामान उठा के क्यों नहीं ले जाते, वो सब यहीं का यहीं छोड़ जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नई चीज़ें मत लो परमानेंट, जहाँ पे भी घर बाय कर रहे हो वहाँ जाके ही लो। टेम्पररी घर के लिए टेम्पररी सेटअप ही अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार चीज़ों को मैनेज करना इट्स रियली टफ। सो दिस इज योर होस्ट प्रतीक परमार, फाइनली साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।